हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक नई मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है द टू डू लिस्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फेयरवेल पार्टी होते हुए देखते हैं। इसी फेयरवेल पार्टी में हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर ब्रैंडी को दो शब्द कहने के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है। ब्रैंडी अपनी स्पीच कंटिन्यू कर ही रही होती है कि तभी सभी लोग बोर होने लगते हैं। तभी ऑडियंस में से एक लड़की उसे वर्जिन कहकर चढ़ाने लगती है, पर ब्रैंडी इसका जवाब नहीं देती है। फेयरवेल के बाद हम ब्रैंडी को उसकी बहन अम्बर और मॉम डैड के साथ देखते हैं। अम्बर मॉम डैड के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चट्टी में बिजी हो जाती है। उसी समय ब्रैंडी का क्लासमेट कैमरन उसे मिलने आ जाता है और उसकी स्पीच की तारीफ करने लगता है। दरअसल कैमरन ब्रैंडी को लाइन मारता है। कैमरन ब्रैंडी को अपने दिल की बात बताने ही वाला होता है कि अम्बर बोलती है कि ये तुमको लाइक करता है। ब्रैंडी फिर बोलती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। बेचारा कैमरन जो ब्रैंडी को प्रपोज करने आया था और अब उसका चूतिया चूतिया कट जाता है। फिर वो ब्रैंडी को एक सॉक गिफ्ट करता है, मोजा। साला लड़की को मोजा कौन गिफ्ट करता है। इसी कारण ब्रैंडी ने कैमरन को फ्रेंड जोन कर रखा होगा। तभी वहाँ ब्रैंडी के दो बेस्ट फ्रेंड वेंडी और फियोना आ जाते हैं और ब्रैंडी को अपने साथ पार्टी में ले जाते हैं। रास्ते में ब्रैंडी उन सभी गांडों की लिस्ट बनाती है जो वो कॉलेज जाने से पहले करना चाहती है। तीनों पार्टी में पहुंचते हैं और तभी ब्रैंडी की नजर एक सस्ते शायद कवर पड़ती है जिसका नाम रस्टी है। रस्टी के लुक और उसकी सेक्सी बॉडी को देख के ब्रैंडी उस पर फिदा हो जाती है और लाइफ में पहली बार शराब पीने लगती है, क्योंकि उसने पहली बार शराब पी हुई थी तो उसे भारी नशे हो जाते हैं और वो उल्टी सीधी हरकत करने लगती है। पार्टी में कैमरन भी होता है। वो ब्रैंडी को ऐसी हरकत करके देख के शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रैंडी के दोस्त उसे बेड पर रेस्ट करने के लिए छोड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रस्टी वहां जाता है और ब्रैंडी को अपना माल समझ के किस करने लगता है। तभी ब्रैंडी लाइट ऑन कर देती है। तभी रस्टी को पता लगता है कि ये तो मेरा माल नहीं है। तभी वो ब्रैंडी को सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। बताती है। तभी फियोना बोलती है कि तुम भी अजीब हो, तुमने रस्टी के साथ गपा गप करने का मौका यूं ही गवा दिया। तुम्हारी जगह मैं होती तो कपका फैल ले चुकी होती। तभी ब्रैंडी ठान लेती है कि समर एंड तक वह रस्टी के साथ गपा गप कर ले। अगले दिन से ही ब्रैंडी इस कांड को सफल बनाने में लग जाती है। फिर ब्रैंडी एक वाटर पार्क में जॉब के लिए जाती है। तभी वहां उसे रस्टी मिलता है। रस्टी भी उसी वाटर पार्क में जॉब करता है। दरअसल ब्रैंडी ने जानबूझकर इसी वाटर पार्क में जॉब करना चूज किया था क्योंकि इसमें रस्टी काम करता है। तभी रस्टी ब्रैंडी को वाटर पार्क के मैनेजर विली से मिलाने ले जाता है। विली ब्रैंडी को अकेले पूल साफ करने को बोलता है जिससे ब्रैंडी की वहीं फट जाती। बट वो रस्टी की तरफ देखती है और सोचती है अब लेना तो है, क्या मोटा और क्या पतला। ब्रैंडी पूरा पूल साफ करती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि उसके मदर और फादर गार्डनर बैठ के खाली पुलाव पका रहे हैं। तभी ब्रैंडी अपनी मदर से पूछती है कि आपने पहली बार ऐसा कब किया। उसकी मां सच्चाई बता ही रही होती है कि तभी ब्रैंडी के फादर बीच में कूदते हैं और उसे बोलते हैं कि फर्स्ट नाइट में तुम्हारी मॉम के साथ सेक्स हुआ था पहली। अगले सीन में हम ब्रैंडी के मॉम डैड को सेक्स को लेकर बहस करते देखते हैं। तभी ब्रैंडी के डैड बोलते हैं कि हमें ब्रैंडी से इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। तभी उसकी मॉम बोलती है कि हमने इस टॉपिक पर अंबर से ही बात की थी, क्या हुआ था, उसने 15 साल में गपा गप कर लिया। दूसरे कमरे में ब्रैंडी को यही ज्ञान दे रही होती है कि पहली बार उसने गपा गप कब किया था, कैसे किया था। तभी ब्रैंडी नोटबुक लेती है और अंबर की बातों को नोट करने लगती है। अजीब चुतियापा है, साला गपा गप करने के लिए नोटबुक कौन लेता है। अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग होती है, वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। इधर ब्रैंडी रस्टी को लुभाने की पूरी कोशिश करती है कि तभी एक हरामी बच्चा उसे पानी में धक्का देकर गिरा देता है। ब्रैंडी पूल से बाहर आती है कि तभी उसका हरामी मैनेजर विली उसे वापस से धक्का देकर गिरा देता है। तभी रस्टी वहाँ आता है, ब्रैंडी को पूल से निकालता है और फिर वापस से उसे भी धक्का दे देता है। सभी के जाने के बाद विली पूल की सफाई कर रहा होता है कि तभी ब्रैंडी पीछे से आती है और उसे पूल में धक्का दे देती है। तभी विली डूबने लग जाता है। ब्रैंडी ये बात देख के वापस से पूल में कूदती है और उसे बचा लेती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि तुम पूल के मैनेजर हो और तुम्हें तैरना भी नहीं आता, मैं ये चीज हायर अथॉरिटीज को बताती हूँ। तभी विली ब्रैंडी के हाथ पांव जोड़ता है और उससे माफी मांगता है और ब्रैंडी को ऑफर देता है कि वह पैसों के बदले उसे स्विमिंग सिखा दे। ब्रैंडी भी ये बात मान जाती है। इसके बाद ब्रैंडी अपने कांडों की लिस्ट में से पहला कांड पूरा करने के लिए निकल पड़ती है जिसका नाम है फिंगर बगिंग। इसका मतलब है उंगली डालो और हिलाओ। इस कांड को पूरा करने के लिए वह कैमरन के घर जाती है और वहाँ कैमरन के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है और अपने पहले कांड को पूरा करने में सफल हो जाती है। अगले दिन ब्रैंडी अपने फ्रेंड के साथ पूल में चिल आउट कर ही रही होती है कि उसे लिस्ट के सेकंड कांड की याद आ जाती है और रात को ही ये कांड पूरा करने का सोचती है। इस कांड का नाम है मास्टरबेशन, हिलाना। रात को जैसे तैसे वह रस्टी के बारे में बार बार सोच सोच के हिला ही लेती है और इसका आनंद ले ही रही होती है कि तभी वहाँ अंबर आ जाती है। अंबर उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक कॉल आया हुआ है। तभी ब्रैंडी कॉल पिक करती है और उसे पता लगता है ये कॉल कैमरन का है। कैमरन ब्रैंडी को डेट पे ले जाने के लिए पूछता है। तभी ब्रैंडी की नजर अपनी लिस्ट पर पड़ती है और वो कैमरन को हाँ बोल देती है। फिर कैमरन ब्रैंडी को मूवी दिखाने के लिए लेके चले जाता है। ब्रैंडी मूवी देखते हुए काफी बोर होने लगती है तो वह अपनी लिस्ट के तीसरे कांड के बारे में सोचती है और वहीं कैमरन का पैंट खोलती है और उसके पप्पू को हिलाने लगती है। अब कैमरन भी इस चीज का एंजॉय करने लग जाता है और ब्रैंडी अपने तीसरे कांड को पूरा करने
करने में सफल हो जाती है। अगले दिन रैंडी एक सेक्सी ज़ेब्रा पहन के वाटर पार्क में आती है और रस्टी को लाइन मारने लगती है। बच्चों की स्केट पे स्केट करने लगती है, तभी उसकी ब्रा स्केट पे फंस जाती है और पूल पे गिर जाती है। ब्रांडी बिना ब्रा के ही पूल से बाहर आ जाती है, तभी ब्रांडी को पता चलता है कि उसके खरगोश आजाद हो चुके हैं। ब्रांडी वापस से पूल में जाती है, अपनी ब्रा लेने लगती है कि तभी शैतान बच्चे की ब्रा के साथ ही खेलने लगते हैं। अब ब्रांडी के पास कोई चारा नहीं होता, ब्रांडी टॉपलेस ही पूल। फिर बाद ब्रांडी विली को स्विमिंग सिखा रही होती है, तभी ब्रांडी की बहन अंबर वहाँ आ जाती है। विली अंबर की खूबसूरती देख के उसे लाइन मारने लगता है, पर अंबर कहाँ इस चमन चूत के फटने वाली है। इधर रस्टी अपने दोस्तों के साथ कुछ बात कर रहा होता है और ब्रांडी भी अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है। तभी ब्रांडी फियोना को बोलती है कि जरूर रस्टी अपने दोस्तों से मेरे बारे में बात कर रहा होगा। फिर ब्रांडी एक बच्चे को उसकी बात सुनने के लिए बोलती है, उधर रस्टी को भी ऐसा ही लगता है, तो वो भी एक बच्चे को अपना खबर बना के उन लोगों के बीच में भेज देता है। लेकिन ये बच्चे काफी शैतान होते हैं, सुनना था आम चाहे इंग्लिश। ब्रांडी ने जिसे रस्टी के पास भेजा था वो बताता है कि रस्टी सैटरडे नाइट को क्लब में गाना गाने वाला है। इधर रस्टी का खबर भी गलत खबर लाता है कि अगर तुम पाइनएप्पल चूस पियोगे तो ब्रांडी तुम्हें अपने लेने देगी। तभी कैमरन पूल से बाहर निकलता है और ब्रांडी को डेट के लिए पूछता है। ब्रांडी इस बार भी कैमरन को हाँ बोल देती है। उस शाम को हम ब्रांडी को अपने दोस्तों के साथ क्लब में रस्टी का इंतजार करते हुए देखते हैं, बट रस्टी वहाँ आता ही नहीं क्योंकि ब्रांडी के खबरी ने उसे गलत खबर दी थी। फिर ब्रांडी पब में आए हुए बैंड मेंबर्स को पूल में ले जाती है और उनके साथ गप गप कर तो नहीं पर उनका गन्ना चूसने लगती है। ब्रांडी की हार्ट सुनकर वहाँ विली आ जाता है और सब कुछ देख के ब्रांडी को खरी खोटी सुनाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैमरन ब्रांडी को डेट के लिए पिक करने उसके घर आ जाता है, लेकिन ब्रांडी तो कहीं और ही गुलखिला रही होती है। ब्रांडी के पेरेंट्स कैमरन को ब्रांडी के कमरे में वेट करने को बोलते हैं। वेट करते हुए कैमरन को ब्रांडी के कांडू की लिस्ट मिल जाती है। उस लिस्ट को देखकर कैमरन की वहीं फट जाती है। डेबरा कैमरन से कोई प्यार व्यार नहीं करती, वह तो सिर्फ कांडू की लिस्ट को पूरा करने के लिए कैमरन का यूज कर रही थी। बेचारे कैमरन की तो वहीं लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ब्रांडी वहाँ आ जाती है और कैमरन को अपने कमरे में देख के शॉक हो जाती है। कैमरन ब्रांडी पे काफी गुस्सा होता है, फिर कैमरन वहाँ से चला जाता है। ब्रांडी को कैमरन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अगले दिन अपने दोस्तों को ये बताती है। उसके दोस्त बोलते हैं कि भूल जाओ कैमरन को, अपने लिस्ट पर कॉन्सेंट्रेट करो, रस्टी के सिक्स पैक को याद रखो। यहाँ कैमरन भी अपना दुख अपने दोस्त डफी को सुनाता है। फिर डफी ब्रांडी को अपने घर इनवाइट करता है और उसे बताता है कि कैमरन के साथ तुमने जो किया वो गलत किया, पर थोड़ी देर बाद वो भी ब्रांडी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी ब्रांडी डफी के गले में एक लव बाइट देखती है और उससे पूछती है कि ये क्या हुआ, पर डफी कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं तुम्हें ये करके दिखा सकता हूँ। फिर दोस्त जमीन पर ही थोड़ा थोड़ा गपागप ऊपर नीचे से करने लगते हैं। अगले दिन डफी डर्क को भी ब्रांडी की लिस्ट के बारे में बताता है, जिसके बाद डर्क का पप्पा भी ब्रांडी के साथ गपागप करने के लिए उछलने लगता है। ब्रांडी डर्क ने भी वो ही किया जो डफी ने ब्रांडी के साथ किया, थोड़ा ऊपर गपागप। और फिर डर्क को भी मौका मिल जाता है और वो ब्रांडी के साथ गपागप करने लगता है। अब ब्रांडी को अपने अगले कांड को पूरा करने के लिए कैमरन की याद आती है। ब्रांडी कैमरन को कॉल करती है पर कैमरन कॉल नहीं उठाता। तभी वहाँ वेंडी और फियोना आ जाती है। वो अपने साथ एक मूवी की सीडी लेके आती है जो वो दोनों ब्रांडी के साथ देखना चाहती है। तभी वेंडी की नजर ब्रांडी की लिस्ट पर पड़ती है, उसे पता लगता है कि उसने डफी के साथ भी गपागप किया। दरअसल वेंडी डफी को लाइक करती है और इसी कारण उसकी ब्रांडी से बहस हो जाती है। अगले दिन हम ब्रांडी को वाटर पार्क में देखते हैं। उस वाटर पार्क में इसी रायवल वाटर पार्क वाले ने तबाही मचा के जा चुकी होती है, तो ब्रांडी विली रस्टी रात में रायवल वाटर पार्क से बदला लेने जाते हैं और वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तभी फाइनली ब्रांडी और रस्टी एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन रायवल वाटर पार्क वाले का मैनेजर वाटर पार्क में पहुंचता है और उसकी वहीं सटाई जाती है। तभी उसे पार्क के गेट में एक ब्रा लटकी हुई दिखती है जिस पर ब्रांडी का नाम लिखा हुआ होता है। तो वो तुरंत विली के ऑफिस जाता है और ब्रांडी को लात मार के वहां से बाहर निकालने को बोलता है। विली ना चाहते हुए भी ब्रांडी को अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। हताश लाचार ब्रांडी वापस अपने घर चले जाती है और हिलाने का प्लान करती है कि तभी ब्रांडी की माँ वहाँ जाती है और उसे एक लोशन गिफ्ट करती है कि अगर तुम हिलाओगी तो उसमें तुम्हें कम दर्द होगा। तभी ब्रांडी रस्टी को कॉल करती है और उसे डेट के लिए पूछती है। रस्टी भी कहाँ इसको मना करने वाला था, रस्टी हाँ बोल देता है। इधर अंबर ब्रांडी को डेट के लिए तैयार करती है और उसे गपागप करने के नए नए तरीके भी बताती है। फाइनली ब्रांडी रस्टी के साथ डेट पर मिलती है और फिर दोनों कार में कबड्डी खेलने का प्लान करते हैं। दोनों गपागप करने लगते हैं, तभी रस्टी दो मिनट में ही खुश हो जाता है। ब्रांडी बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि साला जिसके लिए इतनी मेहनत करी वो एक खुशी में निकला। तभी ब्रांडी की नजर दूसरी कार पर पड़ती है, वहाँ उसके मॉमडैड गपागप कर रहे होते हैं। रस्टी को बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो। और इधर ब्रांडी के पेरेंट्स भी घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पर आकर ब्रांडी को एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है, जहाँ अंबर विली के साथ पलंग तोड़ने में लगी हुई थी। दरवाजा खुला हुआ होता है तो उसके पेरेंट्स अंदर आ जाते हैं। साला ये अमेरिका है, इसी कारण यहाँ ये सब चलता है। ये इंडिया होता तो बाप पहले गोली मारता फिर पूछता है क्या है। फिर ब्रांडी वेंडी और फियोना के घर जाती है और उनसे माफी मांगती है और फिर तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रांडी को जस्टिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से ही कैमरन से होती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फाइनली दोनों गपागप करने लगते हैं और हर पोजीशन में कबड्डी खेलते हैं। और तभी ब्रांडी को ऑर्गेज्म फील होता है और ब्रांडी की लिस्ट पूरी हो जाती है और एक साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।